न्यूट्रिशन के टॉपिक को हम पढ़े थे, और न्यूट्रिशन के टॉपिक के अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखी थी प्लांट्स के अंदर, और हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को भी देखा था कि वो किस तरह से अपनी फूड जो है वो एनिमल से गेट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एनिमल्स के अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस तरह की या किस तरह के मेथड्स पाए जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो एनर्जी लेते हैं अपनी फूड से, ठीक है। तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, एवरी सेल जो है, जितने भी सेल हैं, एवरी सेल नीड एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है फूड से, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि तमाम सेल्स को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, नरिशमेंट की या ग़ज़ा की जो है वो ज़रूरत हर सेल को होती है। अब सेल्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं, लाइक सेल्स मूव नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे बॉडी के मसल्स हैं तो वो जिस जगह पे हैं वो वहीं पे रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फूड को उन सेल्स तक पहुँचना होता है किसी तरीके से, ताकि वो उनको नरिशमेंट दे सके, ठीक है। तो ये जो फूड को पहुँचाने का स्टेप है या प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और कुछ इसकी हेल्प जो है बीच में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू भी हो जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है, और इस सिस्टम के थ्रू होता यह है कि फूड जो है वो तमाम बॉडी सेल्स तक पहुंच जाती है। बेसिकली इस सिस्टम के 5 मेजर स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन हम उनको देखते जाते हैं। 5 मेजर स्टेप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये होता है कि फूड को इंजेस्ट करना होता है, इंजेस्ट फूड, ठीक है, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके गए। सेकेंड स्टेप ये होता है कि फिर वो जो फूड हम बॉडी के अंदर लेके गए हैं उसको डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू प्रोपेल करें, ठीक है, प्रोपेल इट, प्रोपेल व्हाट? प्रोपेल फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जब ये जाएगा तो क्या होगा कि उसकी प्रॉपर डाइजेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। डाइजेशन का ये मतलब है कि जो फूड है ये टूटेगी स्मॉल पार्टिकल्स में, ब्रेक होती जाएगी। तो थर्ड स्टेप हमारे पास आ गया, डाइजेस्ट फूड। अब जब ये डाइजेस्ट हो चुकेगी, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो चुकेगी, तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन का। यानी फूड स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब डाइजेस्ट हो चुकती है, तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन का स्टेप आ जाता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, और ये जो एब्जॉर्प्शन है किस चीज़ की होती है? ये एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे फूड के अंदर पाए जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि अब जो फूड हमारे बॉडी के अंदर तो आ गई, वो डाइजेस्ट भी हो गई, एब्जॉर्ब भी हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसको एलिमिनेट करना। वो फूड जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या वेस्ट मटीरियल जो कि इन तमाम फर्स्ट 4 प्रोसेस में बने होते हैं, उन सबको एलिमिनेट करना होता है। और ये हमारे पास होता है हमारा फिफ्थ स्टेप, एलिमिनेट वेस्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड। ये 5 स्टेप जो हैं ये कहलाते हैं डाइजेशन, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं ये एक बहुत ही वास्ट कैटेगरी है। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, छोटे बड़े, कोई क्या चीज़ खाते हैं, कोई क्या चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन हम एनिमल्स को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, हम उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, वो किस तरह के फूड लेते हैं। और उस क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। उन ग्रुप्स में क्या क्या है? हमारे पास डेट्राइटिवोरस होता है, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स, इन सबको आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, वन बाय वन हम इनको देखते जाते हैं ताकि हमारा रिवाइज भी हो जाए और हम इसको एक दफ़ा फिर से पढ़ भी लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप आता है, या सबसे पहली जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें हमारे पास जो एनिमल्स आते हैं वो होते हैं डेट्रिटिवोरस। डिट्रिटिवोर्स कौन से एनिमल्स हैं? ये वो एनिमल्स हैं जो कि डिकेइंग या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है, यानी डेट्राइटस। डेट्राइटस कहते हैं डिकेइंग मैटर को, ऐसी चीज़ें जो गल सड़ रही होती हैं वो डेट्राइटस कहलाता है, या डेड ऑर्गेनिक मैटर भी होता है इसमें, ऑर्गेनिक मैटर जो ऑलरेडी
मुर्दा स्टेट में होता है, तो उसको हम कहते हैं डिट्राइटस। और वो एनिमल्स जो कि इसको फीड करते हैं, जो इसको खाते हैं, उनको हम कहते हैं डिट्रिटिवोर्स। इसके एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें, हमारे पास अर्थवर्म आ जाते हैं इसके एग्जांपल में। और अर्थवर्म क्या करता है कि अगर वो सरफेस के ऊपर है तो ज़मीन की सरफेस के ऊपर से भी वो इंजेस्ट करता रहेगा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, वेजिटेशन को, इस तरह की चीज़ों को। और अगर वो सॉइल की सरफेस के अंदर है तब भी वो उसकी जो बर्निंग एक्टिविटी है, जब वो खोदता जाता है ज़मीन को, तो उसके अंदर से भी जो उसको ऑर्गेनिक या डिकेइंग मैटर मिलता जाता है वो उसको इंजेस्ट करता रहता है। तो ये हमारे पास आ गया डिट्रिटिवोर्स। इसके बाद हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आती है और वो है हमारे पास हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट प्लांट्स को अपनी फूड के तौर पे लेते हैं, उनको हम कहते हैं वो है हर्बीवोर्स। तो इनको हम लिख भी देते हैं कि एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, जिनकी खुराक पौधे होते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स जो है, इनकी बॉडी बनी ही इस तरह से होती है कि वो सिर्फ पौधों को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं और रिप्टाइल्स हैं, इसके अलावा बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स में कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स को फिर हम इनकी जो बॉडी है या जिस तरह की ये फूड लेते हैं उस बेसिस पे हम इनको डिवाइड भी कर देते हैं दो कैटेगरीज में। एक कहलाते हैं रोडेंट्स और दूसरे कहलाते हैं अनगुलेट्स। रोडेंट्स ही हैं ये, आप अगर चूहे को देख लें, माइस, ये इसकी एक एग्जांपल है। रैट, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। और अगर हम अनगुलेट्स को देखें तो इसके अंदर हमारे पास हूफ्ड ग्रेजिंग एनिमल्स आ जाते हैं। हूफ्ड ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि जो चरते हैं, ठीक है, एनिमल्स घास चरते हैं, इस तरह की चीज़ें। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएंगी, हॉर्सेस, घोड़े हैं या कैटल हैं हमारे पास, शीप वगैरह, काउ, वो इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिए दो टाइप्स हर्बीवोर्स की। अब हर्बीवोर्स ने क्योंकि प्लांट्स को खाना है तो इनके जो टीथ हैं, दांत हैं, वो भी कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के होते हैं जो कि पौधों को खाने में हेल्पफुल होते हैं। और उनके स्पेशलाइज्ड टीथ के अंदर क्या खसूसियात होती हैं, स्पेशलाइज्ड टीथ, क्या स्पेशलाइज्ड टीथ के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये कि इनके जो मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये वो दांत हैं जिनसे जो चबाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो उनकी जो सरफेस है वो ज़्यादा होती है, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज ग्राइंडिंग कह लें आप, ग्राइंडिंग सरफेस। प्रीमोलर्स और मोलर की जो ग्राइंडिंग सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकेंडली, इनके इंसाइजर्स और प्रीमोलर्स में डिफरेंस होता है या गैप होता है, गैप बिटवीन इंसाइजर्स एंड प्रीमोलर्स। इसकी अगर हम एक फिगर देख लें, यहाँ पे आपको एक काऊ नज़र आ रही है और काऊ के अंदर आप इसके दांत देख सकते हैं कि किस तरह से दांतों की बनावट किस तरह की है। और जहाँ बात करें गैप होता है इंसाइजर्स और प्रीमोलर्स के दरमियान, इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि इनके जो केनाइंस हैं वो मिसिंग होते हैं, केनाइंस आर मिसिंग। इसीलिए ये सख्त चीज़ों को चबा नहीं सकेंगे, अगर हम इनको गोश्त दे भी दें तो ये उसको चबा नहीं सकते। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर अपर इंसाइजर्स भी मिसिंग होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये तो आपके पास काऊ है, अगर आप गोट की एग्जांपल को देखें, गोट के अंदर ये होता है कि अपर इंसाइजर, ऊपर वाली साइड पे जो इंसाइजर्स हैं वो भी मिसिंग होते हैं। इसको मेंशन भी कर देते हैं, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स मिस अपर इंसाइजर्स, ठीक है। और एग्जांपल में हमने कहा गोट इसकी एक एग्जांपल है। ये तो हमने देख लिया हर्बीवोर्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं जो कि हैं कार्निवोर्स। अच्छा, कार्निवोर्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स। इसके एग्जांपल में जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हैं
यहाँ पे आपको एक चीता नज़र आ रहा है, और वो चीता जो है इसके दांत भी अगर आप देखें तो वो बहुत ही नोकीले किस्म के दांत हैं। और ये खाता क्या है, ये मीट खाता है, गोश्त लेता है अपनी खुराक में, ठीक है। तो ये कार्निवोर है। इसके अगर हम टीथ की बात करें, जैसे कि हमने ऊपर हर्बीवोर्स की टीथ की बात की थी, कार्निवोर्स के भी स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं मीट को चबाने में या उसको चीरने फाड़ने में। तो इसके जो ख़ास किस्म के दांत हैं उनके अंदर उनकी क्या खसूसियात हैं, उनमें बेसिकली एक तो ये कि इनके जो केनाइंस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, दे हैव लार्ज केनाइंस, और ये क्या करते हैं, इनको टीयरिंग में या कैचिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके जो इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि वो फ्लैश को या बोन्स को क्रैक कर सकें, ठीक है, फ्लैश को तोड़ सकें, फाड़ सकें, उसको चबा सकें। तो इनके जो इंसाइजर्स हमने बात की, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर अडैप्टेड फॉर कटिंग, काटने के लिए या फिर क्रैकिंग, बोन्स को क्रैक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके इनके दांतों को देखें तो ये बहुत इस किस्म के बने होते हैं कि सूटेबल होते हैं च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। और इसके एग्जांपल में जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे एक चीते की पिक्चर बनी हुई है। इसके अलावा आप कैट्स हैं, डॉग्स हैं, लाइन हैं, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, कार्निवोर्स। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर जो कि है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ओमनीवोर्स हम कहते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अपनी फूड के तौर पे लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या हम कहेंगे वो एनिमल्स व्हिच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर अभी आप अगर सोचें कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, या इसकी क्या एग्जाम्पल होगी, तो एग्जाम्पल में इसके आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन बींग्स, इंसान। हम क्या करते हैं, हम गोश्त भी खाते हैं डिफरेंट जानवरों का, और इसके अलावा हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो वो क्या होंगे, वो प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम क्या हैं, हम ओमनीवोर, जैसी तरह मंकी आ जाता है या बियर है, ये इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाता है, ओमनीवोर्स की एग्जाम्पल में। अब अगर हम इनके दांतों की बात करें, जैसे कि हमने हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की टीथ की बात की थी, तो ओमनीवोर्स के जो दांत हैं वो दरमियाने किस्म के दांत होते हैं, इंटरमीडिएट हम उनको बोलते हैं। दे हैव इंटरमीडिएट टूथ बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के दरमियाने किस्म के दांत होते हैं जो कि ओमनीवोर्स में पाए जाते हैं, बोथ स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, ठीक है। दांतों की जो बनावट है और उनका जो काम है, दोनों के अतबार से इनके दरमियाने किस्म के दांत पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया ओमनीवोर्स को। अच्छा, जहाँ हमने यहाँ बात की थी कार्निवोर्स की, हमने देखा कि कार्निवोर्स जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो है वो कार्निवोर्स का अपने शिकार के साथ पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। इसको मेंशन भी कर देते हैं, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। जैसा कि हमने इससे पहले भी कुछ रिलेशनशिप्स की बात की थी, हमने बात की थी माइकॉर्जा की या लाइकन्स की, ठीक है, हमने म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म को देखा था। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक किस्म का रिलेशनशिप आया जाता है जो कि कार्निवोर्स में मोस्टली होता है, वो क्या है, उसे हम कहते हैं प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। ये इस किस्म का रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को टोटली पूरा का पूरा खा लेता है, ठीक है। प्रीडेटर प्रे में हमारे पास अगर हम लाइन की एग्जांपल लें तो प्रीडेटर क्या होगा, लाइन, और अगर हम प्रे को देखें, लाइन अगर किसी जेब्रा को खा रहा है तो क्या होगा, प्रे जो है उसका यानी शिकार जेब्रा हो जाएगा, और जो ऑर्गेनिज्म शिकार कर रहा है उसे हम कहेंगे प्रीडेटर, और वो क्या है इस केस में, लाइन है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, जैसे कि हम कहते हैं बियर एंड फिश। बियर अगर फिश को खा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कैट एंड माउस, ये भी प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है। इसी तरह बर्ड्स हैं,
बर्ड्स अगर इंसेक्ट्स को खा रही हैं, ठीक है, बर्ड अगर इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, परिंदे डिफरेंट कीड़े मकोड़ों को, तो वो भी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म का रिलेशनशिप है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा खा लेता है। अच्छा, इस जब हम कैटेगरीज की बात कर रहे थे, ओमनिवोर्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है, वो कहलाती है फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स, फिल्टर फीडर्स कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि अपनी खुराक को पानी के साथ लेते हैं और फिर उस खुराक को फिल्टर करते हैं पानी के अंदर से। मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, और करते क्या हैं कि पानी के साथ अपनी खुराक को लेते हैं, यानी कि इनकी जो खुराक होती है वो पानी के अंदर पाई जाती है। तो करते क्या हैं कि ये पानी को फिल्टर करते हैं और फिर उसके बाद डाइजेस्ट कर लेते हैं पानी के अंदर से जो भी पार्टिकल्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं। तो क्या हुआ, फिल्टर करेंगे वाटर को एंड डाइजेस्ट द एक्सट्रैक्टेड पार्टिकल्स, एक्सट्रैक्टेड पानी के अंदर से जो भी पार्टिकल्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए होंगे ये उनको डाइजेस्ट कर लेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स में इसके अंदर मसल जो है वो इसकी एक एग्जांपल है, और वो क्या करता है बेसिकली, इसका इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का होता है कि इसके अंदर दो गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, दो टू लार्ज गिल्स आर प्रेजेंट, और लार्ज गिल्स के साथ साथ इसके अंदर गिल्स के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। सीलिया जो है वो स्मॉल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, और सीलिया के साथ इसके अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड। म्यूकस हम कहते हैं सेमी लिक्विड तरह का हमारे पास एक केमिकल होता है, और वो करता क्या है कि जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर आके इंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं इसके साथ। होता ये है कि पानी इस मसल जो है इसकी बॉडी के अंदर से मूव करता है, पास करता है गिल्स के थ्रू, और जो इसकी सीलिया हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो करंट्स जनरेट करते हैं ताकि फूड पार्टिकल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। अब वो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा कि जब वो इसके अंदर से गुजर रहे होंगे गिल्स के अंदर से, तो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो हैं ये म्यूकस को सिक्रीट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर से म्यूकस निकलेगा, और म्यूकस क्या करेगा कि वो फूड पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और अपने साथ चिपका लेगा उसको, ठीक है। और वो फूड पार्टिकल की जब हम बात करें, पानी के अंदर कौन सा फूड पार्टिकल पाए जा सकते हैं, पानी के अंदर बेसिकली छोटे छोटे और ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि एलजी होगी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एलजी होगी या डिफरेंट प्रोटोजोआंस हो गए, वो पाए जा सकते हैं पानी के अंदर, और यही इनकी फूड होती है। इसी मसल की मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि हो ये रहा है पर्पल कलर से आपको पानी जो है वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे पर्पल कलर का पानी है वो यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से वापस जा रहा है, ठीक है। अब जब ये एंटर हो रहा है यहाँ पे, तो हो ये रहा है कि जो ब्लू कलर से आपको या ग्रीन ग्रीन सी ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है वो इसकी फूड इनटेक है, इसके अंदर फूड है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से पानी गुजरता है, फूड जो है वो इसके यहाँ पे, ये इसका माउथ रीजन है, तो इसके माउथ के अंदर जो है वो फूड आ जाती है, और क्या होता है कि फूड इसकी बॉडी के अंदर चली जाएगी जबकि बाकी का जो पानी है वो वापस बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से मसल जो है वो अपने अपनी फूड को गेट करती है। इसी के एग्जांपल में हमारे पास वेल भी आ जाती है, वेल भी इसी तरह से अपनी फूड लेती है पानी के अंदर से। इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया फिल्टर फीडर्स का, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है उसे हम कहते हैं फ्लूइड फीडर्स। फ्लूइड, जैसे कि आपको नाम से थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्लूइड्स को, लिक्विड्स को अपनी फूड के तौर पे लेते हैं, दे टेक द फूड एज लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स को अपनी फूड लेते हैं और फिर उसके अंदर से अपनी फूड जो है वो निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास आता है मॉस्किटो, मच्छर जो होता है, ठीक है। मॉस्किटो क्या करता है, अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बात करें या वैसे फीमेल जनरल किसी भी मॉस्किटो की बात करें, तो वो क्या करता है कि वो सक करता है ब्लड को, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाता है और उसके अंदर से उनकी कैपिलरीज के अंदर से पियर्सिंग के थ्रू ब्लड को सक करता है उनके स्किन के ऊपर से। तो क्या हो गया, वो क्या कर रहा है, बेसिकली लिक्विड को ले रहा है ना, तो फूड है वो उसकी लिक्विड। और इसी तरह अगर हम एफिड्स की बात करें, एफिड्स क्या करते हैं कि वो प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के ऊपर जाके बैठते हैं और वहाँ से उनके फ्लोएम के अंदर से जो उनकी फूड है वो सक करते रहते हैं।
उनके स्टेम से या उनके लीव्स के ऊपर से. तो ये अब वो जो लीफ के अंदर से स्टेम से जो जूसेस गेट करें वो जूसेस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स होते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ये हैं फ्लूइड फीडर्स. इनकी पिक्चर भी हम देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास मॉस्किटो. मॉस्किटो स्किन के ऊपर बैठे हुए, वो करता क्या है, ये पियर्सिंग के थ्रू स्किन के अंदर अपनी ये जो इसकी ट्यूबुलर सा माउथ होता है ये अपने पियर्सिंग के थ्रू माउथ को अंदर लेके जाता है और वहाँ से ब्लड को सक करता है कैपिलरी से. जबकि यहाँ पे अगर आप एफिड्स को देखें तो एफिड्स में भी इसी तरह होता है कि ये जो स्टेम है या लीफ है उसके ऊपर आके बैठते हैं और उसके अंदर से फ्लोएम के जूसेस होते हैं वो उनको सक करते रहते हैं. तो ये थे हमारे पास फ्लूइड फीडर्स. इसके बाद हमारे पास एक लास्ट कैटेगरी आ जाती है एनिमल्स की और वो कहलाती है मैक्रोफेगस फीडर्स. मैक्रोफेगस फीडर्स, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मैक्रो का वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम किसी बड़ी चीज़ की बात करें. ठीक है, तो मैक्रोफेगस फीडर्स ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड को बड़े बड़े पार्टिकल्स या लार्ज पीसेस के फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, they take the food in the form of large pieces, ठीक है. और लार्ज पीसेस में फूड किस तरह से लेते हैं, इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम डिवाइड भी इसी तरह से करते हैं उनके डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग द फूड इन. एक को हम कहते हैं टेंटेक्युलर, ठीक है, और दूसरा कहलाता है स्क्रैपिंग, और एक हमारे पास कहलाता है सीजिंग प्रे. अब ये डिफरेंट तरीके हैं मैक्रोफेगस फीडर्स के अपनी खुराक लेने के. टेंटेक्युलर जो है ये पाया जाता है हाइड्रा के अंदर. हाइड्रा की अगर आपको याद हो उसका स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें क्या होता था कि हाइड्रा जो है वो पूरे के पूरे जितनी भी जो भी इसके फूड के तौर पे इसके पास जो भी चीज़ आती है ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है. ठीक है, और स्क्रैपिंग के अंदर हमारे पास स्नेल आ जाता है. अब स्नेल की बॉडी इस तरह की होती है कि स्नेल क्या करता है कि कोई भी जो इसकी खुराक है फूड है वो उसको अपने अंदर ले जाएगा अपने माउथ के अंदर. और फिर क्या होता है कि माउथ के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो करते ये हैं कि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता खुरचते जाते हैं. ठीक है, जो स्क्रैपिंग का वर्ड यूज़ हुआ है वो भी इसलिए यूज़ हुआ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुरचते जाते हैं अपने फूड को और फिर छोटे छोटे जो उसके वो जो खुरचने से बनेंगे फूड के पार्टिकल्स उनको वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने गले से आगे लेके जाता जाएगा. अच्छा, और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है सीजिंग प्रे. सीजिंग प्रे वाला जो तरीका है ये पाया जाता है डॉग फिश के अंदर. यहाँ पे अगर आप इसको देखें डॉग फिश के अंदर ये तरीका इस तरह से होता है कि डॉग फिश क्या करती है कि अपने फूड को ले लेती है अपने मुंह के अंदर और फिर उसको जकड़ लेती है. ठीक है, जो जकड़ने का तरीका है इसको हम सीजिंग के तौर पे कहते हैं कि ये एक तरीका है इसको अपने फूड को लेने का. और जो जकड़ने का तरीका इसी में ये होता है कि फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये स्पॉटेड डॉग फिश को आप यहाँ देख रहे हैं ये इसकी एग्जांपल है. लिख को देते हैं स्पॉटेड डॉग फिश. ठीक है, तो ये हमने देख लिया डिफरेंट तरीके जो कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो अपने फूड को गेट करते हैं या किस तरीके से किस किस्म के फूड जो डिफरेंट एनिमल्स खाते हैं. ये हमारा आज का टॉपिक था. वन बाय वन हम इनको ज़रा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हमने बात की थी और उसके अंदर हमने आज डिफरेंट तरीके देखे हैं, डिफरेंट एनिमल्स की क्लासिफिकेशन देखी है ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दैट दे ईट. तो सबसे पहले हमने डेट्रिटिवोर्स की बात की थी कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं अपने फूड में. उसके बाद हर्बीवोर्स हैं जो कि डिफरेंट प्लांट्स को खाते हैं. उसके बाद हमने कार्निवोर्स की एग्जांपल देखी. कार्निवोर्स को हमने देखा कि ये वो एनिमल्स हैं जो कि मीट को या फ्लैश को या डिफरेंट और एनिमल्स को खाते हैं. इसी तरह फिर हमने ओमनीवोर्स की बात की और ओमनीवोर्स ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अपनी खुराक के तौर पर लेते हैं. इसके बाद फिर हमने फ़िल्टर फीडर्स की बात की और फ़िल्टर फीडर्स में हमने बात की थी मसल की. हमने कहा था कि वो अब फ्लूइड फीडर्स आगे. फ्लूइड फीडर्स के बाद फिर हमने बात की मैक्रोफेगस फीडर्स की कि ये किस तरह से बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को अपने फूड के तौर पे लेते हैं. तो ये हमारा आज का टॉपिक था.